आप सब नूं सत श्री अकाल। दोस्तों, पंजाब सरकार दे जिहड़े नवें भर्ती मुलाजम ने, खास तौर पर वो मुलाजम जिन्हां की भर्ती 1-1-2004 तो बाद हुई है, उन्हां दी बार बार सरकार तो यही मंग रहिंदी है कि सानू पुरानी पेंशन स्कीम जिहड़ी है वह बहाल की जाए। पंजाब सरकार दे वक्ख वक्ख महकमियां दे विच कई जथेबंदियां ने जिन्हां दा यह एक टीचा बनया होया कि वह सरकार तो पुरानी पेंशन स्कीम जिहड़ी है वह बहाल करवा लैण। यही नहीं, जदों पंजाब दे विच चोणां हुंदियां ने तां कई सियासी पार्टियां दे मैनीफेस्टो दे विच ये गल भी रखी जाती है कि जदों उन्हां दी सरकार बन गई तां वह पंजाब दे मुलाजमां नूं पुरानी पेंशन जिहड़ी है वह बहाल कर देणगे। दोस्तों, इहजिहा की है पुरानी पेंशन दे विच ते अजिहा की नहीं है नवी पेंशन स्कीम दे विच जिहड़ा कि पंजाब सरकार दे मुलाजमां नूं पसंद नहीं है। सो इस सारी गल्लां दे जवाब आपां जानदे आं इस वीडियो दे विच। वीडियो शुरू करन तों पहलां साडा चैनल जरूर सबसक्राइब कर लो तां जो तुसीं साडे चैनल ते आ रहीआं वीडियोज़ तुरंत ही देख सको। दोस्तों, हुण मैं इस वीडियो दे विच गल करूँगा कि पुरानी पेंशन स्कीम दे विच इहजिहा की सी कि जिहड़ा कि साडे पंजाब दे जिन्ने भी मुलाजम साथी ने वो चाहते ने कि वो स्कीम जिहड़ी है वो पुरानी पेंशन जिहड़ी है वो लागू कर दो ते जिहड़ी नवीं पेंशन स्कीम है इस नूं बंद कर दो। हुण दोस्तों, आपां दोनों ही जिहड़ियां पेंशनां ने उन्हां दा कंपैरिजन करांगे ते अंत दे विच इह सिट्टा भी कढ़न दी कोशिश करांगे कि जी इह किहड़े किहड़े कारण ने जिन्हां करके जिहड़े मुलाजम साथी ने वो कह रहे ने कि सानूं नवीं पेंशन स्कीम नहीं चाहीदी। वीडियो दे एंड विच असी अपना ओपीनियन भी देवांगे ते इहदे नाल ही दोस्तों इस वीडियो तो बाद असी एक होर भी वीडियो लैके आवांगे इस तो तुरंत बाद जिहदे च असी जिहड़ी NPS है उहदी कॉन्ट्रीब्यूशन किवें हुंदी है, उहदे पैसे कित्थे जमा हुंदे ने ते रिटायरमेंट तो बाद NPS राहीं तुहानूं किन्ने क पैसे मिल सकदे ने उहदी डिटेल असी उस वीडियो च देवांगे। हुण इह जिहड़ी वीडियो है इह वीडियो दे विच असी कंपैरिजन करांगे दोनों ही पेंशन स्कीमां दा ते फिर इहदा सिट्टा जिहड़ा है उह तुहाडे सामने खुद ब खुद ही निकल जाएगा। दोस्तों, जिहड़ी पुरानी पेंशन स्कीम सीगी उहदे विच कोई भी मुलाजम जदों 58 साल या 60 साल की उम्र मुकम्मल करन तों बाद रिटायर हुंदा सी तां उहदी लास्ट सैलरी दा 50% उहनूं जरूर पेंशन दे रूप दे विच मिलदा ही मिलदा सी। हुण जिहड़ी NPS है, नवीं पेंशन स्कीम है, इहदे विच इस तरह की कोई भी गरंटी नहीं है। हुण जे मैं कॉन्ट्रीब्यूशन की गल करा, मुलाजम नूं अपने करियर दे विच अपनी तनखाह दे विचों की कोई रकम कट के जिहड़ी है पुरानी पेंशन दे विच जमा करानी पैंदी सी कि नहीं पैंदी सी? बिल्कुल नहीं पैंदी सी। यानी कि जिहड़े पुराने मुलाजम सी 1-1-4 तों पहलां वाले, उन्हां नूं अपनी रिटायरमेंट ते मिलण वाली पेंशन दे लई कोई भी फंड जमा नहीं कराना पैंदा सी। हुण जे मैं गल करां नवीं पेंशन स्कीम दी, यानी कि NPS दी, इहदे विच जिन्ने भी कर्मचारी ने उन्हां नूं अपनी बेसिक ते जिहड़ा DA है उहदा 10% हिस्सा जिहड़ा है वह NPS फंड दे विच जमा कराना पैंदा जिहड़ा कि उन्हां नूं रिटायरमेंट ते मिलदा। सो देखो जी, पहली जिहड़ी गल सामने आई है कि जे तुसीं NPS दे विच पेंशन लैनी है तां तुहानूं अपनी तनखाह दा 10% हिस्सा कट के जिहड़ा है जमा कराना पैंदा। इहदे च चंगी गल जिहड़ी इह है कि जे 10% हिस्सा तुसीं जमा करा रहे हो, उन्ना ही बराबर शेयर तुहाडा डिपार्टमेंट यानी कि तुहाडा इंप्लॉयर भी NPS खाते च तुहाडे खाते च जमा करवा रहा है। हुण अगली गल जी, जिहड़ी ओल्ड पेंशन स्कीम सी, जिहड़ी पुरानी पेंशन स्कीम सी, उहदे विच तुहानूं GPF दी सहूलत सी। हुण GPF दा मतलब है एक तरह तुहाडा बैंक खाता जिहदे विच तुसीं जिन्नी भी रकम चाहो मंथली जमा करा सकदे हो। इहदे ते जिहड़ा इंट्रस्ट है वह 7-8% मिलदा सी। हुण जिहड़ी NPS है, NPS दे विच कोई भी इदां दी सहूलत तुहानूं नहीं है। हुण GPF दे विच की हुंदा है कि GPF दे विच जिन्नी भी रकम जदों भी किसी कर्मचारी नूं लोड़ हुंदी है वह कढ़वा सकदा है, चाहे वह कोई गंभीर बीमारी होवे, चाहे वह किसी का विआह करना होवे, चाहे वह किसी थां ते तुसीं अपना मकान पाना होवे। यानी कि यह जिहड़ियां मोटियां लोड़ां किसी भी मुलाजम की जिंदगी हो सकदियां ने। हुण नवीं पेंशन स्कीम दे विच पैसे तुसीं जमा कराते कढ़ा सकदे हो, बट करियर दे विच सिर्फ 3 वारी, और वह भी तुहाडी कॉन्ट्रीब्यूशन का 25%। यानी कि जिहड़ा 10% हिस्सा कोई मुलाजम जमा करा रहे अपनी तनखाह चों, उहदा सिर्फ 25% हिस्सा, वह भी पूरे करियर दे विच 3 वारी, जो कि नाम मात्र ही हुंदा है। इस लई जिहड़ा मैं ये कह सकदा कि जिहड़े पहले 2 पॉइंट हजे तक साढ़े सामने आए ने, ये पुरानी पेंशन दे हक दे विच ही जांदे ने। हुण अगला पॉइंट है जी कि जदों तुसीं पेंशन लैण लग जाने हो, पेंशन प्राप्त करन लग जाने हो,
तो थोनू जो सरकार 6 महीने बाद DA वधांदी है तो थोनू उहदा लाभ भी जिहड़ा है मिलदा है। जिवें कि किसी भी सैलरीड की तनखाह दे विच जदों जदों DA की एनहैंसमेंट हुंदी है तो पेंशन वाले नूं भी उहदा जिहड़ा है लाभ मिलदा है। हुण NPS दे विच कोई DA नहीं मिलता, जिहड़ी रकम तुसीं जमा कराई है वो ही थोनू रिटायरमेंट तो बाद थोड़ी थोड़ी करके पेंशन के रूप दे विच मिलती है। वो किन्नी कु पेंशन बनती है वो असी अपनी अगली वीडियो दे विच थोनू डिटेल दे विच दस देवांगे। अगली गल है जी कि जिवें कि असी इस चैनल पे कमीशन पर बहुत सारिया वीडियोज़ पा चुके हैं, तुसी उन्हां सारी वीडियोज़ नूं बहुत पसंद किया, कैलकुलेशन भी असी करके दिखाइया है। हालांकि कई कमेंट इस तरह के वीडियोज़ से आए हैं कि तुसी बेफालतू दीयां कैलकुलेशन करके दस रहे हो, पे कमीशन तो अजे लागू ही नहीं होया। मैं तो सिर्फ इन्नी बेनती करदा कि पे कमीशन की असी प्रोपर कैलकुलेशन बार बार असी वीडियो कह रहे हैं कि ये सिर्फ एक अंदाजा है, क्योंकि बहुत सारे सवाल इस तरह के आ रहे थे। ईवन के साड़ी पॉपुलैरिटी यूट्यूब ते इन्नी हो चुकी है कि कई यूट्यूब चैनल साड़ी वीडियोज़ की नकल भी कर रहे हैं। हुण मैं इस पॉइंट ते आ जा कि जड़ा पे कमीशन की मैं गल कर रहा, पुरानी पेंशन दे विच पे कमीशन का लाभ भी पेंशनरां नूं मिलदा सी, यानी कि जे पे कमीशन कोई भी वाधा सैलरीड नूं यानी कि तनखाह दे विच मुलाजमान की करता सी तां पेंशनरां नूं भी लाभ मिलता सी। पर दोस्तों NPS स्कीम दे विच न्यू पेंशन स्कीम दे विच तुहानू पे कमीशन का कोई भी लाभ नहीं मिलता, इसलिए यह पॉइंट भी जिहड़ा है वह पुरानी पेंशन स्कीम के हक दे विच जा रहा है। हुण मैं अगली गल करदा दोस्तों VRS की, यानी कि वॉलंटरली रिटायरमेंट की, यानी कि जदों कोई मुलाजम यह फैसला करता है कि वह 58 साल तक जॉब नहीं करेगा वह पहला ही अपनी रिटायरमेंट भर देगा। पुरानी पेंशन स्कीम दे विच उसनू पेंशन दे सारे लाभ जिहड़े ने ओह मिलदे सी दोस्तों। पर NPS दे विच जेकर तुसी ये फैसला लै लैंदे हो कि मैं 58 या 60 साल की उम्र तो पहला रिटायरमेंट लैनी है तो थोनू सिर्फ 20% हिस्सा ही तुहाडा मिलदा है, बाकी का हिस्सा जिहड़ा है पेंशन के रूप दे विच मिलदा है। सो ये जिहड़ा पॉइंट मैं इत्थे डिस्कस कीता है ये भी जिहड़ा है पुरानी पेंशन दे हक दे विच जा रहा है। दोस्तों जिहड़ी पुरानी पेंशन स्कीम धारक ने उन्हां दी मौत होण तो बाद जे मान लो किसी रिटायरी दी पेंशन दे दौरान मौत हो जाती है तो उस उन्हां दे परिवार नूं फैमिली पेंशन भी मिलती सी, पर जे NPS की गल करिए NPS दे विच फैमिली पेंशन वर्गी नाँ की कोई भी चीज़ नहीं हैगी। जिहड़ी ओल्ड पेंशन स्कीम है ओल्ड पेंशन स्कीम का फंड सरकार दिंदी सी, यानी कि तुहाडी पेंशन की अदायगी सरकार करती सी। पर जे मैं NPS की गल करां नवी पेंशन स्कीम की गल करां तो ये पेंशन की अदायगी करते हैं फंड मैनेजर्स की होंगे ने डिटेल दे विच आपां अपनी अगली वीडियो दे विच डिस्कस करांगे। यानी कि NPS दे विच पेंशन जिहड़ी तुहानूं मिल रही है वो तुहाडे ही पैसे तो तुहानूं मिलती है। दोस्तों पुरानी पेंशन दे विच तुहानूं मैडिकल रीइंबर्समेंट की सहूलत भी मिलती रही है और मिलती है, इहदा मतलब ये हुंदा है कि जेकर तुहानूं कोई बीमारी है जां तुहाडे परिवार नूं किसी तरह की कोई बीमारी है कोई ऑपरेशन कराया है तो उहदा खर्चा जिहड़ा है सरकार तुहानूं एज़ अ मैडिकल रीइंबर्समेंट बिल दे दौरान दे दिंदी है, पर NPS दे विच कोई सहूलत इस तरह की तुहानूं नहीं है। ओल्ड पेंशन स्कीम दे विच जदों भी तुसी पेंशन लै रहे हो 60 साल टप गए 65 साल टप गए 70 साल टप गए तो तुहानूं उत्ते स्पैशल अलाउंसिस मिलते हैं जिन्हों कि असी ओल्ड एज पेंशन अलाउंसिस कहने हैं। पर जे मैं नवी पेंशन स्कीम की गल करां तो इस तरह की कोई सहूलत जिहड़ी है इहदे विच नहीं मिलती। दोस्तों इस वीडियो मैं जिन्हें भी पॉइंट डिस्कस किए ने दोनों का कंपैरिजन किया है पुरानी पेंशन का ते नवी पेंशन स्कीम का, तो सारे दे सारे पॉइंट ही पुरानी पेंशन स्कीम दे हक च जांदे ने। सो इत्थों तुहाडे लई समझना औखा नहीं होवेगा कि सरकार दे जिन्ने भी मुलाजम ने वो बार बार सरकार नूं इह क्यों कहिंदे ने क्यों मंग रखदे ने कि सानूं पुरानी पेंशन की सहूलत दे दवो, क्योंकि जिहड़ी पुरानी पेंशन स्कीम सी उहदे विच रिटायरमेंट तो बाद एक तरह सिक्योरिटी सी कि जदों तुसी जॉब नहीं करते थोड़ी तनखाह बंद हो गई है तो थोनू कोई ना कोई सहारा जिहड़ा है वह मिल रहा सी। जदों कोई मुलाजम अपनी सारी दी सारी उम्र किसी भी डिपार्टमेंट च लगा दिंदा एक तरह डिपार्टमेंट की सेवा करके हटिया, सो डिपार्टमेंट जिहड़ा है उहदे रिटायरमेंट एज दे विच उहदी मदद करता रहा है। पर जिहड़ी नवी पेंशन स्कीम 1-1-2004 तो बाद लागू हुई है ये नवे रिक्रूट्स नवे मुलाजमान ते लागू हुंदी है, इहदे विच बहुता फायदा या बहुता सिक्योरिटी जिहड़ी है सुरक्षा जिहड़ी है वह मुलाजमान नूं नज़र नहीं आती, इस करके बार बार मुलाजम जिहड़े ने वह मंग करते हैं कि सानू जिहड़ी है पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ देना शुरू कर दो ते NPS नूं बंद कर दो।
ਹੁਣ ਸਿੱਟਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ। ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਨ ਪੀ ਐੱਸ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਨਸਰਟਨਿਟੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ 'ਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ 'ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ। ਔਰ ਜੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲ ਵੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ 25,000 ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ 'ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ 25,000 ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। 25,000 ਦਾ 25,000 ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮਿਲਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੌਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ, ਆਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਜਾਂ ਸੁਝਾਅ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਇਸ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਚੈਨਲ ਵੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬੈੱਲ ਆਈਕਨ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਬ ਦਿਓ। ਬਸ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਧੰਨਵਾਦ।